英文。नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से हीरो होंडा पैशन प्रो, पैशन प्लस, सिटी डिलक्स, स्प्लेंडर में टाइमिंग चेन किस प्रकार से सेट करते हैं। तो इसमें जो टाइमिंग चेन हमको सेट करना है, उसके लिए हमको सबसे पहले टूल्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद में टूल्स के अलावा हमको टाइमिंग किट, उसके और जो भी है, रबर रिंग है, ऑयल सील है, जो भी पार्ट्स हैं उनकी सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में हम इसको खोलें तो ठीक रहेगा।
रास्ता मिल जाए। ये है घोड़ा पति, इसको लगाना है। तो इसके लिए घोड़ा पति रोलर, इसको सीधा देखना है एक तो। अगर ये जरा भी टेढ़ा होगा तो इसका टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, ये सीधा है, इसको यहाँ पे सेट करना। इस बोल्ट को टाइट करने के लिए ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ठीक से टाइट हो जाएगा। ज़्यादा टाइट करेंगे ये स्लिप हो सकता है। इसके बाद में ये टाइमिंग गियर, टाइमिंग गियर, इसके लिए टाइमिंग, इसको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद में हम जाएंगे आगे की तरफ, तो इसमें लगाना होगा टाइमिंग गियर को। इसके लिए आप इसको
प्रकार से पकड़ेंगे। और ये छिड़ा के ऐसे सेट हो जाएगी। अभी ये देखो, ये देखो इसकी सिद्ध में नहीं है। इस निशान को, ये है इसका टाइमिंग का निशान, इस पे मिलाना आप। तो इसको इसको ऐसे पीछे लेंगे और ऐसे ठीक एक लेयर घुमा देंगे। अभी देखेंगे आया कि नहीं आया, अभी नहीं आया तो एक बार और घुमा देंगे। अब देखना ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखो यहाँ पे छोटा सा कट लगा हुआ है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर मिलाना हमको ठीक है। चलो फिर उसके बाद में इसको कस दिया है। ये देखिए अभी अपना टाइमिंग देखना है पूरा सेट है कि नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेना। अगर ये थोड़ा सा भी गलत होगा तो इंजन में वाल बेंड हो सकते हैं। ये अपना सही है, इसके बाद में हमको इसको अच्छे से टाइट करना है पीएम के बोर्ड को। ठीक है ये टाइट, इसके बाद में हमको लगाना है टेंशनर। ये टेंशनर हमको फिट करना है, उसके लिए इसमें हमको ये वाली स्प्रिंग डालनी पड़ेगी जो किट में आई है। इसमें जो पहले स्प्रिंग लगाई हुई है, टेंशनर लगाई हुआ है, ये बहुत ही टाइट लगाया हुआ है।
जो कि टाइमिंग चैन जब ढीली हो जाती है उसके बाद में ये लगा देते हैं ताकि वो आवाज़ ना करे, तो ये एक सही चीज़ नहीं है। इसके लिए हमें जो ये किट में आया है ये लगाना है एकदम से, तो इसको हम लगाते हैं। अब इसको टाइट करना है, इसको टाइट करेंगे एकदम से, टाइट करना है इसको, तो इसके लिए इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है कि इससे ये एल्यूमिनियम में कसा हुआ है नुकसान भी हो सकता है। अभी इस टेंशनर देखो, ये देखो पूरा स्पेस निकला है, यहाँ पे देखो अपने पास में इतनी जगह निकल आई है। ये हमको देखने की चीज़ है, देखो इसको यहाँ पे लगाना है, ये ऑयल को सील करता है, रबर की रिंग है ये, ठीक है ये अपना यहाँ पे लग गया। उसके बाद में इसको यहाँ से हटा लेते हैं, को हटा के ये जो रबड़ रिंग लगी हुई है ये निकाल देंगे और इसको अच्छे से साफ करेंगे। इसमें ज़रा भी कचरा नहीं रहना चाहिए जिससे ऑयल लकीज ना हो अपना, और फिर हम इसमें ये नया डाल देंगे। ये देखो ये अपना सेट हो गया, उसके बाद में इसको वापस से फिट करना है। अब इसको हमको फिट करना है, तो इसके हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे जिससे आसानी से लग जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो आपकी रबर रिंग है ये हम बाहर से जब इसको लगाएंगे फिट करेंगे उस टाइम पे ये रबर रिंग कटे नहीं, आसानी से लग जाए।
फिर इसको हम टाइट करेंगे। टाइट इसको इतना ही करना है कि ये इस पर टच हो जाए जाके, बस ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसको ज़्यादा टाइट करेंगे वापस ये खोलने में इसको तकलीफ होगी। ये एल्यूमिनियम में कसे हुए होते हैं, इनको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही गर्म होके टाइट हो जाते हैं। चलो अब इसके बाद में हम ये मैग्नेट लगाएंगे। इसको लगाना वॉशर लगाएंगे, उसके बाद में को अच्छे से टाइट करना, पूरे इंजन में सबसे ज़्यादा लोड इस पे रहता है। जैसे जैसे इसमें करंट बनता है मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा ना, उस टाइम पे ये अंदर खुलने का खतरा रहता है इसका। ये देखो अच्छे से टाइट हो गया। उसके बाद में ये केप लगाना है हेड के ऊपर, तो उसको अच्छे से साफ करना है। फिर इस पे एक गिस्किट लगाना है, गिस्किट नया डालना है जिससे ऑयल लकीज ना हो। इसको बहुत ही आराम से टाइट करना है और ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ठीक है, ये अपना टाइट हो गया है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। उधर से इसका निकलने का खतरा रहता है, थ्रेड ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया है टाइमिंग चेन का काम। उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। अपना टाइमिंग सब ओके है, बस इसमें ध्यान देने की बात यह है टाइमिंग एकदम से सही होना चाहिए। यहाँ पे निशान मिलाना है और एक यहाँ पे जो निशान बताया आपको वो मिलाना है। उसके बाद में इसको सब तरीके से सेट कर दिया जाएगा।